हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी बी फैशन। आज की इस वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बैक साइड वाले कपड़े को हम डबल करके रखेंगे और उतना डबल करना हमें जितनी हमारी फिटिंग का साइज है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर लीजिए। और फिर फ्रंट साइड को उसके ऊपर बिल्कुल, अगर एम्ब्रॉयडरी वगैरह है तो उसको मिला के रख लीजिए, अगर सिंपल है तो फिर बीच में से जहाँ से फोल्ड करना फोल्ड कर लीजिए। दोनों कपड़ों को बिल्कुल एक साथ रख लेना मिला के। अब ऊपर की साइड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये कपड़े को एक स्टार करने के लिए लाइन ड्रॉ की है हमने। अब सबसे पहले ये देखिए साइड में मैंने चार्ट लगा दिया है सभी साइज के लिए आरमोल और तीरा का, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमारी जो कुर्ती है इसका साइज तो थोड़ा हैवी है लेकिन इसमें मुझे तीरा थोड़ा कम लेना है, क्योंकि जो ये चार्ट बनाया हुआ है ये बेसिक है, जैसे मार्केट से कुर्ती आती है उसके हिसाब से है ये। लेकिन हम जब कुर्ती बनाते हैं घर पे तो उसका हम आरमोल तीरा अपने हिसाब से ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। ज़्यादा लेते हैं तो, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा जो मार्केट से कुर्ती आती है उनमें तीरा बड़ा होता है, लटका रहता है ऐसे, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो हमें क्या करना है, 6.5 या 7 इंच तीरा ले लेना है और उसके बाद 7 इंच आरमोल लेना है। नीचे वाली लाइन से मैंने आरमोल लिया है 7 इंच। हम लगाएंगे अपनी फिटिंग का निशान। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जितना भी हमारा साइज है, जैसे 42 इंच हमारा साइज है, 42 में 2 इंच और ऐड कर लीजिए तो हो गया 44 इंच। तो 44 के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। 44 का जितना फोर्थ भाग आया उसका निशान लगा के 2 इंच मार्जिन ले लिया था। अब यहाँ से 7 इंच पर निशान लगाएंगे एक, फिर नीचे जितने आप चाक खोलना चाहते हो उस पर निशान लगा लीजिए। मैंने लगाया है 14 इंच पर। ऊपर की साइड से सभी साइज में 2.5 या 3 इंच पे एक निशान लगाना होता है। ज़्यादा हैवी साइज है तो 3 इंच पे लगा लीजिए, नॉर्मल सा साइज है तो 2.5 इंच पे लगा लीजिए। अब यहाँ से नीचे जितना भी आपकी फिटिंग का साइज है उसका निशान लगाना है, 2 इंच यहाँ पे भी मार्जिन ले लेंगे। अगर आप बॉडी से नाप लेके कुर्ती की कटिंग करते हो तो उसमें आपको क्या करना है, जितना भी आपका फिट साइज है उसमें आपको 2 इंच ऐड करके तब नाप लेना है, तब आपका फिक्स आएगा। और ये 2 इंच मार्जिन का लेते हैं जो सिलाई के लिए बचता है। तो ये लाइन इस तरीके से हमने मिला लेनी है। ये वाली लाइन तो हम ऐसे ही मिला लेंगे, और कई बार क्या होता है फिटिंग वाली जो लाइन होती है उन्हें लगाने में बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए मैं एक आसान तरीका बताऊंगी। आपको यहाँ लेग सेपर ले लेना है और लेग सेपर की हेल्प से यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। सबसे पहले ऊपर की साइड हम एक निशान लगाएंगे 1/2 इंच बाहर की तरफ, फिटिंग वाला जो निशान है उसे 1/2 इंच बाहर लगाएंगे। अब यहाँ से लेग सेपर को इस तरीके से रखेंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे, इससे बिल्कुल इजीली फिटिंग का निशान लग जाता है और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। अब ऊपर की साइड निशान लगाएंगे तो इस तरीके से लेग स्लीपर को बदल के रखेंगे ऐसे, और यहाँ से बिल्कुल जो हमने बाद में निशान लगाया उससे मिला के रखेंगे, और ऊपर से देख सकते हो कितना ऊपर निकाला हुआ हमने, बिल्कुल ऐसे ही रख के निशान लगाना है। अब क्या करेंगे, जो हमारी फिटिंग का निशान है उसके ऊपर मार्किंग करनी है हमें। तो ये देखिए ऐसे हल्का सा ऐसे रखेंगे और फिर यहाँ से निशान लगा लेंगे। जो हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था ना, वो इसलिए लगाया था कि यहाँ से हमें सीधी लाइन लेनी होती है, इस तरीके से हल्की सी कर्व होके आ जाएगी, ज़्यादा सीधी भी नहीं रहेगी। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा फिटिंग का निशान लग चुका है, ये देखिए। अब लगाएंगे आरमोल का निशान। तो आरमोल को हम फ्रंट वाले को 1/2 इंच अंदर की साइड लेके निशान लगाते हैं और इस लाइन को ऊपर से मिला लेते हैं। यहाँ से डालेंगे हम फ्रंट आरमोल की शेप, और फ्रंट आरमोल की शेप हम 1 इंच के करीब पे डालते हैं, जो हमारा बीच में सेंटर होता है वहाँ से 1 इंच पे हम शेप डालते हैं। मैं भी दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए बिल्कुल 1 इंच पे हमने शेप डाल ली है। अब हमें बैक साइड की शेप डालनी है, तो जो हमने पहले निशान लगा रखा था ना उसके कोने पे से बैक साइड के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाना है, जो ये वाला बनाया हुआ है कोना, इस पे से यहाँ से रखेंगे इंच टेप को और 1.5 इंच ऊपर निशान लगा लेंगे। बैक साइड में 1.5 इंच पर शेप डालते हैं और फ्रंट साइड में 1 इंच पर। तो चलिए यहाँ से जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है उससे मिला के शेप डाल लेते हैं। तो इस लाइन से मिलाएंगे, जहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ना बिल्कुल उस लाइन से मिलानी है। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे मिला लेंगे, और ऊपर की साइड से हम 2.5-3 इंच छोड़ते हुए तब इस शेप को मिलाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से ऊपर की साइड 2.5-3 इंच हमने छोड़ दिया है, तब इस शेप को यहाँ पर मिलाया है। अब लगा लेंगे नेक के लिए निशान। तो जो मैंने आरमोल तीर बताए हैं नॉर्मल साइज़ के लिए बताए हैं, ये नहीं है कि का नाम में ज़्यादा हैवी साइज़ है या फिर बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितना आरमोल तीरा लेना है आपको। मैंने 3 इंच का नेक लिया है और बाकी जो बचा हुआ वो हमारा तीरा बच जाएगा, और 1/2 इंच यहाँ से आरमोल को डाउन कर लेंगे। अब जो हमने 1/2 इंच बैक साइड के लिए बढ़ा के लिया हुआ, ये कंपलसरी नहीं है, आपको लेना ही लेना, आपकी मर्जी है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। इससे क्या होगा, फ्रंट नेक जो बार बार ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, तो वो आगे रहेगा, फिट रहेगा बिल्कुल, जो हमारा तीरा है वो बिल्कुल बीच में रहेगा, इससे वो फ़र्क पड़ जाएगा, बस इसलिए लेते हैं इसको।
तो अब हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। जितनी हमारी लंबाई उसका निशान लगाने के बाद 2.5-3 इंच हम मार्जिन ले लेंगे, जितना भी हमारे नीचे की साइड फोल्ड करना है इन लाइनों को सीधा कर लेंगे। वैसे तो मैंने इसमें एक एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है, लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना हमारा यहाँ से उतना ही हम चाक के लिए निशान लगा सकते हैं। ये हम तब लगाएंगे बिल्कुल हम जब सीधे पर्दे रखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा नीचे से बड़ा करना है तो उसके लिए 1/2 इंच ज़्यादा निशान लगाना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा लिया है, 14 इंच नॉर्मल रहेगा, 1/2 इंच हम बढ़ा के लगाते हैं सभी में। किसी किसी को और भी ज़्यादा चौड़े पीस ऐसे पसंद होते हैं तो उनके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये सभी की अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई कितना चौड़ा पर्दा पहनना चाहता है, कोई छोटा पहनते हैं, कोई बिल्कुल स्ट्रेट पहनते हैं, तो सभी उसके हिसाब से लेते हैं। ये नहीं है कि कंपल्सरी आपको इतना ही लेना है। नॉर्मल अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो 1/2 इंच बढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते। वो फिर आपकी चॉइस है, आपको कितना बड़ा करना है उस हिसाब से बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा दिया है, अब ऊपर से कटिंग कर लेंगे। पहले हम कटिंग करेंगे बैक आर्मोल पर। तो ये देखिए, ये बैक आर्मूल है और ये बैक के लिए जो हमने लाइन खींची हुई थी वो है। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग पहले हम बैक आर्मूल से करेंगे और फिर यहाँ से जो हमने मार्जिन वाली लाइन ली हुई है इस पर से कट कर लेंगे। अब जहाँ पे हमने चाक खोलने के लिए निशान लगाया है वहाँ से ऊपर एक निशान लगा लेंगे या फिर कट कर लेंगे। तो ये देखिए, 1/2 इंच पर इस तरीके से कट कर लेना है। इससे क्या होगा, हम जब फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे तो आराम से हम मिला लेंगे कपड़ों को, कि हमारी यहाँ पे चारों कपड़े मिलते हैं तो उसमें आसानी रहती है। और एक कट यहाँ पे लगा लेंगे छोटा सा, जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई जाएगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने से क्या होता है, बिल्कुल फिट आ जाते हैं कपड़े, आपको बार बार नापना नहीं पड़ता। ऐसे ही उठा के रख दीजिए और सिलाई लगा लीजिए। अब फ्रंट आर्मोल और तीरा की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट में हमने 1/2 इंच कम लेना है। तो ये देखिए, यहाँ से कटिंग कर लेंगे। मैंने इस कुर्ती में तीरा कम लिया था, 6.5 इंच लिया है। साइज़ के अकॉर्डिंग तीरा कम है क्योंकि हमें डीप नेक बनाना है। इसलिए अगर आप नेक बना रहे हो छोटा तो उसके लिए आपको 7 इंच लेना होगा तीरा। अब यहाँ से नाप लेंगे तो यहाँ पे हमारा 11 इंच है, जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई जाएगी वहाँ पे 11 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है 4 परत में रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हो गया 44 इंच। तो अब हमें क्या करना है, 44 को 5 से डिवाइड कर लेना है। तो ये देखिए, 5 से जब डिवाइड करेंगे जितना भी उसका आंसर आएगा वो हमारा बाजू के लिए आर्मोल निकल जाएगा। तो जब 44 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.8। तो ये हमारा बाजू के लिए तीरा है, बिल्कुल फिक्स इतना तीरा लेना है हमें बाजू के लिए। तो जितना भी आपका साइज है, कोई भी साइज है आपका, सभी को आपको 5 से डिवाइड करना है और जितना आंसर आए उसे बाजू के लिए आर्मोल रख लेना है। साइज चाहे कोई भी हो, सभी को 5 से डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ से 36 पे बता दिए मैंने, फिर 38 पे, ऐसे ही 40 पे, 42 पे, सभी साइज में सेम यही रखना है, 5 से डिवाइड करना है और आंसर आए उसको आर्मोल रखना है। अब हम लगा लेंगे नेक के लिए निशान। तो नेक अपने हिसाब से आप बना लीजिए, जितने भी आपको लंबाई चौड़ाई नेक की लेनी है। मैंने बस यहाँ पर तीरा बता दिया था 6.5 इंच। अगर डीप रखना है तो 6.5 ले लिया है, और अगर आपको नॉर्मल नेक रखना है तो 7 ले लीजिए। बाकी नेक की चौड़ाई आप 2.5 लेते हो, 3 लेते हो, वो अपने हिसाब से ले लीजिए। और इस वीडियो में मैं नेक को डिटेल में नहीं बताऊँगी, बैक नेक कैसे लेना, कितना लेना, उसके लिए मैंने वीडियो अलग से डाली हुई है, आप वो चेक कर सकते हो। मैं उसका लिंक दे दूँगी आई बटन में, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। तो यहाँ से फ्रंट नेक की हम कटिंग कर लेंगे और बैक नेक की अभी मैं थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी, बस ऐसे ही। डीप नेक जो मुझे कट करना होगा मैं बाद में कट कर लूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल नेक की कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। अगर आपको इतना नेक रखना है 4 से 5 इंच तक, तो आपको तीरा लेना होगा 7 इंच। तीरा बिल्कुल भी 6.5 इंच नहीं लेना है आपको, छोटा रहेगा तीरा आपका। 6.5 इंच तीरा तभी लेना है जब आपको नेक डीप बनाना है। अब लगा लेंगे बाजू का निशान। तो बाजू की लेंथ मैंने ले ली है, 2 इंच मार्जिन ले लिया है। अब ऊपर से 3 इंच पर निशान लगा लीजिए। ये देखिए, 3 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे आर्मूल का निशान लगाना है। तो बड़ा ही आसान तरीका बताया मैंने आर्मूल के निशान का आपको। जितना भी आपकी कुर्ती का साइज है उसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, और जितना भी आंसर आए उसको यहाँ पे आर्मूल पे रख लीजिए। जैसे कि हमारा आंसर है यहाँ पे 8.8, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो चलिए निशान लगा लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हो गया 8.8। अब आपको लेना है मार्जिन। तो मार्जिन आपने जितना कुर्ती में लिया उतना ही लेना। जैसे हमने कुर्ती में लिया 2 इंच, तो 2 इंच यहाँ पर लेना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कपड़ा कम है, मैं कम लूँगी। आपको 2 इंच लेना है। ये देखिए, यहाँ पे जितना भी आप कुर्ती में मार्जिन लेते हो उतना ही आपको स्लीव्स में लेना होता है, लेकिन हमारे पास कपड़ा बचा नहीं है यहाँ पे, तो मैंने कम ले लिया है। अब लगाएंगे मोहरी का निशान। तो मोहरी का जो साइज़ है हमारा वो है यहाँ पर 6 इंच। अब हमने ऊपर से 1 इंच मार्जिन लिया है, तो नीचे से भी 1 इंच ले लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर आपने ऊपर से 2 इंच लिया होता तो नीचे से भी 2 इंच ले लेते। अब इस तरीके से लेग स्लिपर को यहाँ पर रखेंगे,
और फिटिंग लगा लेंगे। इस तरीके से फिटिंग लगाओगे ना आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट शेप आएगी, आपको अलग से शेप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए ऊपर की साइड इतना हमने लेग सेपर को निकाला और यहाँ से शेप डाल लेंगे। पहले फिटिंग वाली शेप को डालेंगे, फिर जो हमने मार्जिन लिया है उसको भी डाल लेंगे। तो ये हमने मार्जिन वाली शेप को भी डाल लिया है। अब आर्मोर की शेप डालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड से 1 इंच छोड़ देंगे यहाँ से, और जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से हम इस तरीके से शेप डालना शुरू करेंगे ऐसे, और जहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया बस यहाँ तक शेप डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से, बाकी को हम सीधा रखेंगे। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। ये वीडियो फुल बिगनर्स के लिए है क्योंकि बिगनर्स को शेप डालने में प्रॉब्लम आती है, तो इस तरीके से शेप पट्टी से शेप डाल लीजिए, आसानी हो जाएगी। और अब 1 इंच जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ से इंच टेप को रखेंगे, और जहाँ पे हमारी फिटिंग वाला साइज है वहाँ तक देखेंगे, उसका हाफ लेके बीच में निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे 1/4 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच से थोड़ा सा कम निशान लगाया हमने 1/4 इंच पे, और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे शेप डाल लेनी है यहाँ तक। अब इसकी कटिंग करेंगे तो जो नीचे वाली 2 परतें हमारी उन्हें छोड़ेंगे, दोनों बाजू हमारी रखी हुई है यहाँ पे, और ऊपर की 2 परत को ले लेंगे और इसमें अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऊपर तक कपड़े को बचा के रखना, नीचे वाले दोनों साइडों को। कटिंग करते टाइम ये शेप थोड़ी ऊपर चले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से शेप अच्छी आनी चाहिए बस। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हुई है कम्प्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।